welcome to the online studies by priya r trivedi good morning class after studying about the all the properties of soil basically what are that properties soil ka texture soil ka water holding capacity soil structure uses of soil and some useful types of soil today we are going to study soil testing that how can we test the soil to determine how good it is for the fertility or your agriculture तो आज हम क्या करने वाले हैं सॉइल के टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं जिससे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो सॉइल कितना गुड है एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी के लिए एंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कितना अच्छा सा है या फिर कोई दूसरे जिस भी पर्पज़ के लिए हम सॉइल को यूज़ करने जा रहे हैं वो कितना गुड है क्वालिटी में और उसी से हमें पता चलेगा कि अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रंट्स है अगर है तो गुड इनफ हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो हमें हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसी पर्पज़ के लिए हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो हम अभी पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली सॉइल टेस्टिंग क्या है द प्रपोशन ऑफ वेरियस इन्ग्रीडियंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटर्माइंड बाय सॉइल टेस्टिंग जैसे मैंने आपको कहा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि सॉइल इज मेड अप ऑफ वॉट एयर वाटर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्ग्रीडियट्स आपके जितने भी मैटर्स है इन सबसे सॉइल बनता है तो यही यही सारे तत्वों का इन्ग्रीडियंट्स ऑफ सॉइल है ये इन्हीं का प्रपोर्शन हाँ, हम वेरियस प्रपोर्शन ऑफ दिस इन्ग्रीडियंट्स हम डिटरमाइन करते हैं सॉइल टेस्टिंग से मतलब सॉइल टेस्टिंग में हमें क्या पता चलता है कि कौन सा इन्ग्रीडियंट कितनी प्रपोर्शन में है उस सॉइल के अंदर ये हमें पता चलता है सॉइल टेस्टिंग से ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द दॉइल इज एग्जामाइंड फॉर कलर टेक्सचर एंड द ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट तो सॉइल टेस्टिंग में हमें और क्या पता चलता है उसका कलर जो कि हमने पत, देखा था कि एग्जैक्टली exactly उसका कलर क्या है उसका टेक्सचर क्या है टेक्सचर है वो आपका सैंडी सॉइल है या फाइन क्ले सॉइल है या फिर सिल्ट सॉइल है तो उसका टेक्सचर पता चलता है हमें टेस्टिंग से हमें उसका कलर पता चलता है और प्रपोशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं आपके वो भी उससे पता चलता है आपके सॉइल टेस्टिंग से सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स एंड डिसाइड व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव द डेफिशिएंसी तो आपका पहला पॉइंट क्या है कि सॉइल जो है टेस्ट करने के बाद चलो टेस्ट तो कर लिया हमें हमें पता चला उसका कलर टेक्सचर ऑर्गेनिक मैटर कितना है लेकिन उसके साथ साथ ही कि कौन सा सॉइल में कितने इंग्रेडिएंट्स क्या प्रोपोर्शन में हैं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कई कोई इंग्रेडिएंट वो सॉइल में कम तो नहीं है कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है नहीं कमतरता तो नहीं है किसी इंग्रेडिएंट की और अगर कमतरता है तो हम उसके लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं ताकि हम उसकी जो डेफ एफिशिएंसी है कमतरता है उसे हटा सके दॉयल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज़ ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर एट टू टेन डेज इट इज़ देन सिफ्टेड थ्रू अ सीव तो आपका क्या है सॉइल सैंपल की टेस्टिंग करने के पहले हम क्या करते हैं किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है हम एक सॉइल का सैम्पल लेते हैं उसे कलेक्ट करते हैं दस आठ दस दिन के लिए हम उसे ड्राई करते हैं एक ओपन स्पेस में इन द शेड ठीक है ड्राई करते हैं एक शेड में ओपन स्पेस में हम उसको ड्राई करते हैं इट इज़ देन सिफ्टेड थ्रू अ सीव उसके बाद हम उससे छन्नी से छानते हैं वो सॉइल को ठीक है तो उसका प्रोसीजर जो है वो है कि हम पहले उसको ओपन स्पेस में ड्राई करेंगे शेड में और उसके बाद छन्नी से हम उसे छानेंगे टेस्टिंग के लिए टू टेस्ट नेमली द पी एच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल तो दो तरीके की टेस्ट होती है उसमें आपके सॉइल में एक होता है पीएच और एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल बताने के काम आती है ठीक है सो so, हम जो टेस्ट करते हैं उससे हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं क्या पी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट तो पी क्या होता है पी एच इज एक्जैक्टली अ पावर ऑफ हाइड्रोजन पी एच का आपका फुल फॉर्म क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हम पी छोटा क्यों लिखते हैं बिकॉज पी जर्मन में जर्मन में शॉर्ट फॉर्म ऑफ पी को हम स्मॉल हैं हैं और यहाँ पे H बड़ा क्यों क्योंकि ये है हाइड्रोजन जैसे मैंने आपको बताया पी एच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वो सॉइल में कितना हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन्स का ये हमारा पी एच हमें बताता है तो हमारा जो एच है, है ये क्या है ये एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है इसलिए हम पी एच को पावर ऑफ हाइड्रोजन को इस फॉर्म में लिखते हैं ठीक है तो जो हम सॉइल uh, की करते हैं एक्सपेरिमेंट जो टेस्टिंग करते हैं उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं उसमें कितना पीएच है ना पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है और कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट यानी कि कितने सल्यूबल कितनी कैपेसिटी है उसमें सल्यूबल आय सल्यूबल मैटर्स को डिजोल्व करने की वो आपके सॉइल में ठीक है लाइक like, सल्यूबल uh, है ना सॉल्ट कितनी सैलाई सलाइनिटी है ना कितना सॉल्ट है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है और uh, कितना आपका वाटर ड्रेनेज है ना कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके बाद उसका टेक्सचर कैसा है ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट से पता चलता है जो कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी और फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो सॉइल की टेस्टिंग में हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं पी एच पावर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन योर फील्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट आप खुद भी आपके फील्ड्स के फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट ये टेस्ट आपको किस तरीके से की जाती है ऑनलाइन मिल सकती है अभी हम एक साइंटिस्ट है दानिश सरेसन द डानिश साइंट द डैनिश साइंटिस्ट सरेसन पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ पी एच एंड इधर जो पी एच का कॉन्सेप्ट है ये किसने निकाला है द डैनिश साइंटिस्ट सोरेसन ने बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जैसा मैंने आपको बताया है कि पी एच एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑयंस कितना है सॉइल में तो ये जो फाइंडिंग्स है ये आपके साइंटिस्ट सरस की की हुई है टू डिटरमाइन द पीएच एच ऑफ सॉइल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन ऑफ वन एज टू टू इज टेकन एंड टेस्टेड तो हम सॉइल का पीएच कैसे फाइंड कर सकते हैं हम uh, सॉइल और वाटर का प्रपोर्शन लेंगे वन एस टू टू में मतलब कि अगर हम वन कप वाटर ले रहे हैं तो टू कप हम सॉइल लेंगे उस प्रपोर्शन में हम वन एस टू टू के प्रपोर्शन में ये मिक्सचर लेंगे यूजिंग सेवरल इंडिकेटर्स अकॉर्डिंगली द सॉइल में बी फाउंड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स अब ये रेशो लेने के बाद डिफरेंट डिफरेंट अपैरिटस में इंडिकेटर्स के बाद हमने उसमें क्या पता चलेगा तीन टाइप के सॉइल होंगे या तो वो सॉइल कम्प्लीटली एसिडिक होगा एसिडिक सॉइल मतलब क्या कि पी एच लेस दैन सिक्स पॉइंट फाइव यानी आपका सेवन टू सिक्स पॉइंट फाइव जो 6.5 है उससे वो कम रहेगा तो हम उसको कहेंगे एसिडिक एसिडिक सॉइल अगर वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच आएगा 6.5 टू 7.5 और अगर वो अल्कलाइन सॉइल है तो उसका पीएच आएगा हायर देन 7.5 ठीक है तो एसिडिक का पीएच होता है लेस देन 6.5 और न्यूट्रल सॉइल का होता है 6.5 टू 7.5 यानी उसमें बहुत ही हाइड्रोजन कंटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल भी सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव रहेगी और अल्कलाइन सॉइल में आपका रहेगा सेवन पॉइंट फाइव हायर देन सेवन पॉइंट फाइव कॉजेज ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी अभी जैसे मैंने आपको कहा कि पी एच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट से हमें सॉइल का फर्टिलिटी का अंदाज़ा लगता है तो डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी कैसे पता चलेगी यानी उसका पी एच कितना कम होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये सॉइल फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं है तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सॉइल पीएच लेस देन सिक्स और हायर देन एट अगर सॉइल का पीएच एच सिक्स से कम होता है और हायर देन एट होता है तो मतलब वो कॉज डिमिनिश हो गई है उसकी सॉइल की फर्टिलाइटी डिमिनिशन है वो फर्टिलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अच्छा अच्छा सॉइल नहीं माना जाता है उसमें कुछ डिफिशेंसी कुछ कमतरता आ गई है तो मतलब हमारा सॉइल का पीएच हमेशा कितना होना चाहिए गुड एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए हमेशा सिक्स से एट के बीच में होना चाहिए ठीक है यानी न्यूट्रल होना चाहिए ठीक है तो सिक्स से एट के बीच में हमारा सॉइल रहना चाहिए लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमने कहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट जो हम करते हैं सॉइल के लिए तो उसमें हमें पता चलेगा कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छे हैं तो वो ज़्यादा गुड है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस अगर वो नहीं है तो लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब वो सॉइल फर्टिली फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वॉटर वाटर का ड्रेनेज प्रॉपर ना होने से भी सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द सेम क्रॉप अभी एक ही एक क्रॉप का वापस से रिपीट वा, कल्टिवेशन करना एक साइकिल में उसे भी हम कहते हैं उसके वजह से भी सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है जैसे कि आपको पता है कि वीट जो क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखा हुआ है इस एग्ज़ाम्पल में भी कि जो वीट क्रॉप होते हैं जब हम वीट यानी गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ उगाने के बाद जब गेहूँ उगता है और उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद सॉइल बहुत वीक हो जाता है क्योंकि गेहूँ को बहुत न्यूट्रंस लगते हैं तो सॉइल बहुत वीक हो जाता है तो अगर आप गेहूँ की खेती के ऊपर ही गेहूँ की खेती करोगे तो वो खेती अच्छी से नहीं होगी तो उसी के लिए फार्मर्स क्या करते हैं पहले गेहूँ की खेती करने के बाद वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट मूंग मूट पी लेंटल्स ग्राम सोयाबीन ये सब कल्टीवेट करते हैं आपको ये ही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट हैंस लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट मूंग दाल मूट और ये सब उगाया जाता है तो सेम सेम अगर हम एक ही क्रॉप की फर्टिलिटी फर्टिलाइजेशन करते रहे सेम फील्ड पे तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी डिमिनिश हो जाएगी फिर कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी खारा पानी अगर हम सॉयल के लिए यूज़ करते हैं सॉरी सॉयल में यूज़ करते अगर हम खारा पानी फर्टिलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए खेतों में खारा पानी अगर हम यूज़ करते हैं उससे भी वो सॉइल ज़्यादा आपका नमक वाला सॉइल हो जाएगा सलाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका उसी वजह से उसकी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और एक्सेसिव यूज़ ऑफ़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कीटाणु नाशक का यूज़ करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि हमें जो भी काम करने हैं बहुत ही सॉइल की फर्टिलिटी के वक्त ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं एक ही एक क्रॉप वन एक के बाद एक के बाद एक हम हर बार हर सीज़न में एक ही क्रॉप उगाते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ होती है अगर हम कंटिन्यूसली सैलाइन वाटर खारा पानी खेतों में यूज़ करते हैं उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी यूज़ होती है और वर्ल्ड सॉइल डे आपका कब आता है फिफ्थ डिसम्बर टू मेक एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल तो फिफ्थ डिसम्बर को आपका वर्ल्ड सॉइल डे रहता है तो बच्चों फ्रॉम दिस हमारा ये चैप्टर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होता है और उसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी फिनिश होता है ओके okay? Click on like and subscribe for more videos on online studies.